दोस्तों आज मैं कुछ आपको बजट के बारे में कुछ बातें बताता हूँ जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होंगी या कोई इन चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, लोगों के क्वेश्चन भी होंगे इस चीज़ के रिलेटेड, वो सारा आपको आज मैं बताता हूँ। बात ऐसी है कि मेरे पास दो पेयर थे, एक इस उसमें बैठता था पेयर और एक इस मटकी में बैठता था पेयर। दोनों पेयर पिछले एक साल से थे मेरे पास और बहुत अच्छे से दोनों रह रहे थे। तो सडनली क्या हुआ कि 5 एग इस मटकी में दिए एक पेयर ने और 4 एग इस मटकी में दिए एक पेयर ने। तो जो 20 दिन होने के बाद इन चारों एग में से ये ग्रीन वाली जो फीमेल बैठी है इसके चारों के बेबी निकल आए। जो इस मटकी में 5 एग थे उसमें से कोई भी बेबी नहीं निकला, यानी कि वो एग जो है वो ख़राब हो गए थे। तो ख़राब होने के बाद तो जो उसके बच्चे थे 10 दिन तक उनको अच्छे से फीड करवाया ग्रीन वाली फीमेल ने, और जो इधर ब्लू वाला बैठा है ये मेल था, इन्होंने बहुत अच्छे से फीड करवाया। उसके बाद सडनली क्या हुआ कि जैसे ही बच्चों के पंख आने शुरू हुए तो जो इनका मेल था ग्रीन वाली का मेल था उसने अपने बच्चों को ही पंख खाने शुरू कर दिए, छोटे छोटे जो पंख थे वो काटने शुरू कर दिए। तो मुझे ये देख के बड़ा अजीब लगा, मुझे लगा कि अब पता नहीं क्या होगा कि बच्चे शायद मर जाएंगे, कि ये पंख खाई जा रहा है सारे पंख खा गया ऊपर से। तो मैंने YouTube पे सर्च करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्यों होता है, मैंने पूछना स्टार्ट किया जो यहाँ पे और जिन्होंने बजरीस रखे हुए हैं। तो उन्होंने जब ये चीज़ मुझे पता चला कि उन्होंने बोला कि अलग कर दो इनको, अलग कर दो। अभी 2 दिन हुए थे लेकिन जो दूसरे वाला पेयर था जो इसमें था जो इसकी फीमेल थी तब तक उसने उसके बेबी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वो अंदर जाती थी बेबी को काटती थी और उनका ब्लड निकलना शुरू हो गया, जिसमें से 4 बेबी में से एक बेबी की डेथ हो गई। एक बेबी जो है वो बेचारा मर गया इस वाली फीमेल की काटने की वजह से। तो बड़ा अजीब लगा, फिर मैं मार्केट गया, फिर मैं एक ये एक्स्ट्रा केज लेकर आया। तो मैंने इस ग्रीन वाले मेल को और इस पूरे पेयर को इस वाले में जो है मैंने इस केज में रख दिया ताकि बच्चों की परवरिश अच्छे से हो जाए। तो क्योंकि जो अकेली फीमेल थी वो फीड अच्छे से करवा रही थी लेकिन उसका जो मेल था वो उनके बच्चों के पंख काट रहा था। तो फिर मैंने अलग कर दिया। तो फाइनली जो आज बच्चे थे वो बच्चे पल के बड़े बड़े हो गए हैं, ये बैठे हैं देखने भी और बड़े बड़े हो गए हैं बच्चे। तो ये एक सिंगल फीमेल ने मारा, 4 बेबी थे, एक बेबी की जो है वो बेचारे की डेथ हो गई थी। बड़ा अजीब लगा, वो येलो कलर का बेबी था। ये जो बेबी है ये अच्छे से पल चुके हैं, ये फ्लाई करने, ये 4-5 दिन के अंदर फ्लाई करने के लायक हो जाएंगे। तो ये बेबी है, तो मैंने आज इनको थोड़ी सी बाहर निकाला है पिंजरे से। बाकी अच्छे से ये रह रहे हैं और बड़े हेल्दी हैं। और देखो इनके पंख खा रखे थे इनके पापा ने, अभी तो पंख खाने शुरू हो गए हैं। लेकिन एक बेबी का जो मुझे बड़ा दुख हुआ, जो इनका भाई था सबसे छोटे वाला, जो बेचारा मार नहीं सह सका अपने दूसरी वाली फीमेल की, तो वो बेचारा मर गया। तो ये वाले जो हैं ये अच्छे से हेल्दी हो चुके हैं और बड़े अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, बड़ी जल्दी फ्लाई करने लग जाएंगे। तो अगर किसी के पास बजीस है, पेयर है, तो अगर फीमेल या पंख काट रहे तो उनको अलग कर दिया जाए। बट के छोटा था आई थिंक, मुझे लग रहा है शायद इसी वजह से जो दूसरी फीमेल थी वो काटने लगी थी या जेलसी करने लगी थी कि उसके जो बच्चे हैं वो उसके अंडों में से बच्चे निकले नहीं, इसके निकल गए, शायद इसलिए थोड़ी जेलसी हो गई थी उसको। तो अभी जो है वो सब कुछ ठीक है, बच्चे जो है वो हेल्दी हो चुके हैं, बहुत जल्दी फ्लाई करने लग जाएंगे। और ये जो है अब इनको मैं दोबारा एक पिंजरे में कर दूंगा, तो बहुत जल्दी ये दोबारा फिर एग ले करेंगे, क्योंकि जो दूसरे वाले फीमेल है ये दोबारा एग ले करने वाली हो रखी है, और जो ग्रीन वाले भी दोबारा फिर एग ले करेगी, क्योंकि जब बच्चे फ्लाई करने लग जाएंगे तो वो एग ले कर देंगे। और ये जो बच्चे हैं बेसिकली मैं अपने फ्रेंड्स को दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से पैसे नहीं लेता, उनको बोलता हूँ कि बड़े वाला केज ले लो और बच्चे ले जाओ, क्योंकि ज़्यादा पेयर जो मैं नहीं रख सकता, जॉब करता हूँ, टेक केयर करना टफ हो जाता है। मैं पर्टिकुलर मतलब इतना बड़ा वो बर्ड मतलब नहीं हूँ कि मैं बर्ड्स बहुत सारे रखूँ। तो ये मैंने एक जस्ट अपने उसके लिए रखे हुए हैं, ये अच्छा लगता है, इनकी आवाज़ अच्छी लगती है। ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं, बाहर छोड़ भी नहीं सकते, तो काफ़ी अच्छे से मैं इनकी टेक केयर कर लेता हूँ। अगर आप सबको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इनकी और भी वीडियो जो है मैं आपको दिखाता रहूँ।
आप देख सकते हैं इनकी सारी वीडियोस डालता रहता हूँ मैं वीडियो पर।